नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सत्तू भरा चुकंदर का पराठा बनाना सिखाऊंगी। चुकंदर में भी बहुत सारे गुण हैं, इसे भी खाना चाहिए, अपने खाने में इसे शामिल करें। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है और दो मीडियम साइज चुकंदर को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और डेढ़ टेबल स्पून के लगभग मैंने तेल लिया है और इन सारी चीज़ों को मैंने मिलाकर इस तरह से आटा गूंद लिया है। इस तरह से गूंथा है आटा, ये देखिए, और ये हमारा आटा तैयार है। और इसमें अब मैं सत्तू यानी भुने हुए चने को पीसकर छिलके उतारकर इस तरह से ये भुना हुआ चना जो है इस तरह से पीसा हुआ, इसे सत्तू के नाम से भी जाना जाता है, इसे बहुत लोग सत्तू भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा मैं देखती हूँ। तो मैंने सत्तू हाफ कप लिया है और इसमें मैं डेढ़ टीस्पून के लगभग मैंने इसमें नमक डाला है और इसमें लगभग एक चुटकी के लगभग मैंने हींग डाला है और मिर्च आपकी इच्छा अनुसार मैंने हाफ टी स्पून इसमें मिर्च डाला है और इसमें एक टी स्पून के लगभग नींबू का रस इस तरह से मिलाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब इसे अच्छी तरह से पानी डालकर इसे इस तरह से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। इसे भी जिस तरह से आप आटा गूंथती हैं उसी तरह से इसे भी गूंथ लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। ज़्यादा गीला नहीं करना है नहीं तो ये पराठों से बाहर आ जाए, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आटों के इस तरह से इसके पेड़े बनाने हैं इस तरह से, से मैंने इसके पेड़े बनाए और इसे मैं लगभग इस तरह से चने के आटे का इस तरह से मैंने या सत्तू का इस तरह से ऐसे गोला बना लिया इस तरह से, देखिए दोस्तों। और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर और इसे इस तरह से रखकर इसमें डालकर इस तरह से और इसे मैं बेलकर पराठों की तरह सेक लूंगी। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से चने के आटे को या सत्तू को मैंने इस तरह से इसमें भर लिया है और अब मैं इसे इस तरह से बेल लूंगी, ये देखिए इस तरह से। मैं आटे लगाकर बेल रही हूँ, आप चाहे तो तेल लगाकर भी बेल सकती हैं इस तरह से, ये देखिए। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस पराठा है क्योंकि इसमें आपका चुकंदर भी है, चने का आटा भी है, ये देखिए इस तरह से आप इसे इस तरह से बेल लें, ये देखिए। और हमारा तावा अब गर्म हो चुका है और इसे मैं इसमें इस तरह से डाल दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से।
इस तरह से थोड़ा इसे सेक लेती हूँ। ये देखिए, और अब मैं इसमें इस तरह से तेल को इस तरह से लगा दूंगी। आप चाहे तो तेल नहीं खाना चाहती हैं तो आप इस तरह रोटी जैसा इसे बना सकती हैं। ये देखिए हमारा पराठा, ये देखिए दोस्तों, ये पराठा बनकर मेरा तैयार हो रहा है, लगभग बन चुका है। ये देखिए, मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।